अपने को सबको पता है कि आजकल माइक्रो फाइबर क्लोथ की बहुत जरूरत आ चुकी है, चाहे गाड़ी में हो चाहे कहीं भी हो, माइक्रो फाइबर क्लोथ का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो मेरे पास में माइक्रो फाइबर क्लोथ ये था पहले, इतू सा, इसकी साइज वगैरह नहीं पता मेरे को, तो ये बेचारा सस्ता सा था, ये इसका माइक्रो फाइबर उड़ चुका है, बस ये ऐसा ही बचा है अभी, तो अभी भी काम चलाता है, ऐसी बात नहीं है। तो नॉर्मल क्लोथ से क्या होता है, डैशबोर्ड वगैरह क्लीन नहीं होता ढंग से प्रॉपरली, बाकी चीज़ें तो नॉर्मल क्लोथ से, बनियान वगैरह वाले कपड़े से, उस टाइप के कॉटन वाले से क्लीन हो जाती है, जैसे ग्लास हो गया, बाकी चीज़ें, पर डैशबोर्ड जिनमें ऐसे थोड़े दाने वाने होते हैं क्लीन नहीं हो पाते, तो इसके लिए माइक्रो फाइबर की जरूरत पड़ती ही है। तो फिर मैंने एक माइक्रो फाइबर मंगवाया, तो वो दिखाता हूँ वो माइक्रो फाइबर कौन सा मंगवाया और उसका रिव्यू भी दूंगा साथ में आपको मैं। तो एक शाइनएक्स प्रो नाम से एक कंपनी है, उनका मैंने ये माइक्रो फाइबर क्लोथ मंगवाया जो कि सिर्फ माइक्रो फाइबर क्लोथ ही देती है। तो आओ उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, पहले अनरैपिंग करते हैं बिना नाइफ के। जिम वाली बॉडी से इसके पूरा शाइनएक्स प्रो लिखा है, इन लोगों ने ब्लू डार्ट से भेजा है। तो ये ऐसी कुछ पैकिंग है, तो प्रॉपरली पैकिंग है, और मैंने इसका देखा था अच्छा खासा, मुझे लगा ये प्रोडक्ट, तभी मैंने मंगवाया, ऐसे नहीं मंगाया डायरेक्टली। तो उसको खोलते हैं, ये दो का प्रोडक्ट है, पैक ऑफ टू। शाइनएक्स के अंदर दो स्टिकर्स भी मिलते हैं, वाह ये पहली बार देखा। इसके साथ में, मतलब इसके साथ में तो नहीं मिलते, इसमें भी मिल रहे हैं, पर तो आप गाड़ी वगैरह पेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, आजकल बहुत लोग क्योंकि ब्रांड वगैरह को पेस्ट करते रहते हैं। होंडा शाइन का स्टिकर उड़ गया तो बता देना, उसको हम सेंड कर देंगे। होंडा शाइन वाले दो हमारे पास, प्रो भी लिखा हुआ है, समझ जाओ पाँच लग गया आपके। तो ये कुछ माइक्रो फाइबर है, दो है ये पैक, तो मैं इसकी प्राइस बताता हूँ पहले। तो प्राइस इसकी 499 है, दो पैक, मतलब पैक ऑफ टू की। तो इसकी साइज देख लो, ये साइज है इसकी, और इसकी क्वालिटी मैं बताऊँगा आपको। उससे पहले इसके ऊपर ब्रांडिंग मिल जाती है हमको, कि उल्टी दिख रही है आपको, इस तरफ सीधी है शाइनएक्स प्रो की। और बाकी मैं आपको अपने पुराने वाले छुटकू से कंपेरिजन करता हूँ, जो कि नॉर्मली वही साइज मिलती है, बाकी जिनके पास नेक्सोन उनको पता पड़ी है वो कितनी क्या साइज है इसकी। बाकी पुराने वाला था ये बचिया, पुराने वाले और इस वाले में एक डिफरेंस बता देता हूँ डायरेक्टली आपको। ये बहुत ज़्यादा रफ है, इसको अगर आप हाथ पे घुमाओगे ना तो आपके हाथ के ऊपर ये रुकता है। तो माइक्रोफाइबर की अधिकतर पहचान ऐसी किया करती थी, पहले की जाती थी कि जो अटकता हो माइक्रोफाइबर है, पर होता नहीं है। जितने ज़्यादा GSM, इसमें भी एक GSM की एक रेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर वाला माइक्रोफाइबर है, जो एक काम माइक्रोफाइबर की तरह करेगा, पर ये अटकता नहीं है अपने हाथ वगैरह पे। तो ये अच्छी चीज़ भी है, इसकी सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा, पर पूरा काम माइक्रोफाइबर करता है जैसा कि बताया गया है। अब चेक करेंगे इसको कैसे कि करता है कि नहीं करता। तो ये दो प्रोडक्ट्स हैं, साथ में हमको इसमें हुक भी मिल जाता है, तो कि टांगना वांगना हो तो आपको ये सही चीज़ है, और साइज भी सफिशिएंट है मेरे हिसाब से तो हर जगह के लिए। कैमरा में भी दिखा भाई, कैमरा में चेक करेगा, बड़ा सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट का अटक रहा नहीं आता। हाँ, कॉटन की तरह है, और पर हल्का हल्का सा कहीं अटक रहा है इसका, ये जो मेरे हल्के से हाथ से ऊपर कुछ हो रखे हैं डेड स्किन वगैरह, ये अटक रही है, इसका मतलब माइक्रो फाइबर है। प्रोटीन पिया कर, पीऊंगा तेरा चोरूंगा, सस्ती चीज़ थोड़ी से चोरेगा। तो इंटीरियर के अंदर बेसिकली जो चीज़ें ना माइक्रोफाइबर से ही साफ करनी चाहिए, वो होना चाहिए, जैसे ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, पर ये पार्ट हो गया, इसमें आप एक बार माइक्रोफाइबर घुमाओगे ना तो इजीली क्लीन हो जाएगा। इस जगह पे चेक कर, दिख रहा है ये, बिल्कुल यहाँ पे फोकस करके दिखाइए, दिख रहा है ना, है ना। तो ये फिंगरप्रिंट वगैरह हो गए, इसको एक बार घुमाओगे ना आप, मतलब इसी को नहीं माइक्रोफाइबर क्लोथ को, तो वो क्लीन हो जाएंगे। जैसे एम्बलम वगैरह हो गया, ये बहुत इजीली क्लीन हो जाते हैं इससे। और साथ में मेजर जो चीज़ मेरे को लगती है वो ये है कि गंदी हो जाती है कभी कभी हाथ लगाने से, क्योंकि नेक्सोन के अंदर हमको ऑटोमेट तो मिलता नहीं है, और ये बार बार इसको ऊपर नीचे करना पड़ता है रात के हिसाब से। तो माइक्रोफाइबर यहाँ पे देखो, अभी एक बार में और क्लीन, ओह यस। बाकी नॉर्मल कपड़ा लोगे ना उसके अंदर कभी, तो जैसे कॉटन के अंदर क्या होता है, जैसे कॉटन बेसिकली इंडिया के अंदर हम बनियान यूज करते हैं, मतलब मैं तो यूज करता हूँ, पहले किया करता था, आजकल तो नहीं करता, तो उसमें रेशे रह जाते हैं, कैमरा नॉइज भी करता है। तो बहुत सारे लोग करते होंगे कॉटन की जगह हम, मतलब बाहर से कौन कपड़ा खरीदेगा, अपने घर में बनियान थी वो ढंग से साफ कर देती है। तो ये चीज़ अच्छी है कि इससे एक बार में साफ हो जाता है। डैशबोर्ड वगैरह आप माइक्रो फाइबर से ही क्लीन करो, मेरा मानना तो ये। खाना खा लो फ्रेंड्स, अब इसको जाके चेक करते हैं बाहर एक्सटीरियर के ऊपर, एक्सटीरियर के ऊपर कैसा परफॉर्म करता है ये। तो अब ये देख लो गाड़ी कितनी गंदी हो रखी है हमारी, और अब हम यूज़ करने जा रहे हैं शाइनएक्स प्रो का माइक्रोफाइबर क्लोथ और नॉर्मल पानी। तो नॉर्मल पानी पहले गिरा देते हैं इसके ऊपर, thank you.
किए सिर्फ सिंगल वाइप पे, तो मतलब कपड़ा तो काम का है, पैसा लगा है और ज़्यादा भी नहीं लगा और काम की चीज़ है। देखिए आपको देख रहा होगा एक बार में क्लीन हो गई प्रॉपरली, कुछ अलग से वैक्स वगैरह यूज़ करने की जरूरत भी नहीं लग रही अभी तो। और बेसिकली होता क्या है कि माइक्रोवेव क्लोथ में एक थोड़ी प्रॉपर्टी सी कम रहती है अगर सस्ते रहते हैं तो, कि पानी सोक नहीं करता। जैसे यहाँ का पानी है, इस जगह का पानी है, सोक नहीं करता, ये यहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है और इकट्ठा रह जाता है। तो इससे ट्राई करते हैं, तो प्रोडक्ट तो सही है ये तो। यार चीज़ तो काम की है, अभी आपको दिख रहा होगा डिफरेंस इसके अंदर। बोनट के ऊपर सिर्फ एक वाइप किया और नीचे इतनी गंदगी थी, बोनट ज़्यादा गंदा था वैसे बताया था आपको मैं, जितना कि ग्लास हो रखा अभी देख लो साइड से इस जगह पे, और एक वाइप में हो गया। तो मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ पानी डालो और क्लीन कर लो तो। और प्रोडक्ट मतलब बेसिकली काम की चीज़ है, प्रोडक्ट की बात करते हैं तो अभी कुल मिला के बात करते हैं इस प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट बिल्कुल सही काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं पुराने वाले से बहुत बेटर काम कर रहा है। इसमें एक चीज़ अच्छी लगी थोड़ा हल्का सा, एक कुशन जो है ना ये क्या कर रहा है, पानी को सोक भी कर रहा है, तो क्लीन तो हो ही रहा है, मतलब पूरी माइक्रोफाइबर वाला प्रॉपर्टीज़ तो है इसके अंदर, डर्ट वगैरह उठा रहा है साथ के अंदर जो पानी है उसको भी सोक कर रहा है। और अभी देखते हैं कितना गंदा हो, ये गंदा भी ज़्यादा नहीं हो, मतलब ये और वाइप कर सकते हो, गाड़ी पूरी क्लीन कर सकते हो। और दो क्लोथ्स आपको मिलते हैं ना, दो क्लोथ ही लेना मेरे हिसाब से, तो एक से अगर आप पूरी गाड़ी वाइप कर दो फिर सेकंड आप बाद में सुखाना आपको गाड़ी को, तो आप इससे पूरी गाड़ी को सुखा लो, तो आपके दो प्रोडक्ट दोनों ही काम में आ जाएंगे और पैक ऑफ टू बेस्ट है मेरे हिसाब से डील। अब बात करते हैं माइक्रोफाइबर साफ़ करने की, तो मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसे साफ़ करना है। आपको कभी भी इसको सर्फ से या साबुन से साफ़ नहीं करना है, नॉर्मली लो इसको और पानी से साफ कर दो, मतलब पानी के अंदर निकाल के एक दो बार घुमा के और कर दो साफ, तो ईजिली साफ हो जाएगा। तो ये था ये प्रोडक्ट रिव्यू, तो मतलब मेरे को प्रोडक्ट सही लगा है और मैंने मंगवाया तो मेरे को मतलब वर्थ लग रहा है, जितने रुपये मैंने दिए इसके लिए उतना मेरे को सही लगा है प्रोडक्ट। आप भी मंगवा सकते हो, इसकी लिंक मैं काम करता हूँ डिस्क्रिप्शन दे दूँगा आपको, मैंने डायरेक्टली इन्हीं से मंगवाया, इनका इंस्टाग्राम पर भी इनका हैंडल है, उसके वहाँ से ऑर्डर किया था मैंने, पर लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। और डिलीवरी भी इसकी दो दिन के अंदर होगी, बढ़िया ब्लू डार्ट से डिलीवरी होती है, तो मैसेज भी आपके पास प्रॉपरली आते रहते हैं। और साथ में आपको स्टिकर मिलते हैं इनके पास, शाइन गाड़ी वो शाइन लगा सकते हैं। तो वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट बताइए कैसा लगा वीडियो, कोई क्वेश्चंस वगैरह तो कमेंट में पूछ सकते हो हमसे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।